बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12, जो कि है फ्रेजेस। चैप्टर 12 का नाम ऊपर फ्रेजेस लिखा हुआ है, आपको ऊपर नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा। और फ्रेजेस में अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। अब इसमें एक्सरसाइज में नाम तो कोई दिया नहीं गया, लेकिन ऐसे बताया गया कि आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन ऑल द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज़ डन एज एन एग्जाम्पल। तो अब इसमें बताया गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है और अंडरलाइन करना है जितने भी फ्रेसेस दिए हुए हैं, वो सब ये जो सेंटेंस आगे दिए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 8 सेंटेंस हैं, एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस जो है सॉल्व करके बताया गया, तो मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा अपने सॉल्यूशंस को और करते जाइएगा साथ साथ। पहला सेंटेंस है हमारा, आई रोट माई मैथ्स टेस्ट विद अ रेड पेंसिल। अब इसमें ये बताया गया कि जो मैंने एक अपना मैथ टेस्ट दिया था वो रेड पेंसिल से लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये आपको करना है कि इसमें अंडरलाइन दिया गया माई मैथ्स टेस्ट विद अ रेड पेंसिल। बेसिकली होता क्या है कि जो हमें फ्रेजेस निकालनी होती हैं वो उनमें वर्ब नहीं आना चाहिए। तो देखिए, वर्ब ये अलग कर दिया गया है यहाँ पर, ये वर्ब जो था वो अलग कर दिया गया है। आई रोट, रोट वर्ब होता है, राइट का सेकेंड फॉर्म है ये। इसको अलग करने के बाद हमारे पास सेंटेंस बचा माई मैथ्स टेस्ट विद अ रेड पेंसिल, तो ये हमारी फ्रेज हो गई। सेकेंड सेंटेंस में द चिल्ड्रेन सैंग अलॉन्ग विद द बैंड। अब इसमें हमें देखिए वर्ब पहचाननी पड़ेगी सबसे पहले। तो सैंग जो है वो हमारी वर्ब है, सैंग वर्ब होती है, ये सिंग का सेकेंड फॉर्म है। और इसके आगे लिखा है अलॉन्ग विद द बैंड, इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे हैं उन्होंने बैंड के साथ गाना गाया। तो अलॉन्ग विद द बैंड का मतलब हो गया ये एक फ्रेज है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेज बन गया अलॉन्ग विद द बैंड। इसके बाद थर्ड नंबर पे है, देयर इज ए स्मॉल बुक शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब बताया गया कि एक स्मॉल बुक शॉप है अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के उस पार। तो अब आप देखिएगा कि इसमें इज जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद जो है स्मॉल बुक शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, तो ये हमारा पूरा फ्रेज हो जाएगा, स्मॉल बुक शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट। अगला जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वी हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी हाउस। हमने कुछ स्ट्रेंज नॉइस यानी अजीब सी आवाज़ें सुनी जो एक एम्प्टी हाउस से यानी खाली घर से आ रही थी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हर्ड जो लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब है, हर्ड जो होता है ये सेकेंड फॉर्म है हियर का, हियर माने सुनना होता है। तो वी हर्ड ये हट जाएगा, और इसके बाद जो आगे लिखा है सम स्ट्रेंज नॉइसेस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी हाउस, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक जो है सम स्ट्रेंज नॉइसेस फ्रॉम द एम्प्टी हाउस, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा बन जाएगा आपका एक फ्रेज। अब उसमें सम स्ट्रेंज नॉइस जो है ये फ्रेज बनेगा, और फ्रॉम द एम्प्टी हाउस ये फ्रेज बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमिंग जो आया है बीच में एक वर्ड हमारा है, इसको हमने फ्रेजेस में काउंट नहीं किया। तो इसको फ्रेज में हम काउंट नहीं करेंगे बच्चों। उसका रीज़न ये है कि जो सम स्ट्रेंज नॉइस था ये तो हम इसमें कोई वर्ब नहीं थी, उसके बाद कमिंग फिर से एक वर्ब आ गई, तो वर्ब हम छोड़ देंगे, वी लीव द वर्ब। उसके बाद चलेंगे फ्रॉम द एम्प्टी हाउस, तो ये हमारा आगे का बचा हुआ फ्रेज हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में हमारे पास दो फ्रेजेस हो जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, अ पायरेट ट्रीजर वॉज ब्यूरीड ऑन द आइलैंड। इसका मतलब हुआ कि एक मतलब चुराया हुआ कोई खजाना था वो आइलैंड में ब्यूरीड कर दिया गया, यानी उसको वहाँ पे गाड़ दिया गया, गड्ढा खोद करके उसको वहाँ पे गाड़ दिया गया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ तक ब्यूरीड तक हमारे पास जो है ये वॉज ब्यूरीड जो है ये हमारा प्रॉपर वे में वर्ब है। तो ऑन द आइलैंड जो बचता है हमारा, सिर्फ यही हमारे पास एक बचा हुआ फ्रेज बचेगा, ऑन द आइलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आगे चलते हैं ना, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही हिट द बॉल विथ सच फोर्स दैट इट सेल्ड ओवर द बाउंड्री वॉल। अब इसमें देखिए लिखा है ही हिट द बॉल विथ सच फोर्स, तो उसने इतनी तेजी से बॉल को मारा That it sailed over the boundary wall, कि boundary wall को पार करके चला गया, boundary wall को पार करके चला गया। अब उसका इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से हम phrases निकालने की कोशिश करेंगे, तो hit
जो है ये वर्ब है। हिट के बाद जब आप देख रहे हो कि सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे द बॉल विद सच फोर्स, तो द बॉल विद सच फोर्स ये हमारा एक पहला हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा एक फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ सेल्ड जो लिखा हुआ है, ये वाला जो सेल्ड लिखा हुआ है ये भी वर्ब है। अब इसके बाद जो हमारा आया ओवर द बाउंड्री वॉल, ये हमारा एक और हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल्ड जो आया ये वर्ब है, और इसके बाद ओवर द बाउंड्री वॉल ये जो लिखा हुआ है ये हमारा एक और फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट सेवन नंबर में है मिसेस सिंह सेड, मिसेस सिंह ने कहा दैट हर न्यू सर्वेंट, कि उनका जो नया नौकर है हैड स्टोलन हर गोल्ड चेन, उसने उनकी सोने की चेन चुराई है। अब इसमें देखिएगा कि वर्ब जो है वो कहाँ तक आई है हमारे साथ, इसमें कहा पहले तो सैड, ये आप देख रहे हो वर्ब है, तो उसके जो वर्ब के बाद आया है वो हमारा फ्रेज बन जाएगा। दैट हर न्यू सर्वेंट, यहाँ से लेकर के दैट हर न्यू सर्वेंट यहाँ तक हमारा फ्रेज बन जाएगा। उसके बाद फिर से आप देखोगे कि हैड स्टोलन, ये भी हमारा वर्ब है, तो इसके आगे चलेंगे हर गोल्ड चेन, ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारा हर गोल्ड चेन, ये भी हमारा फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एट्थ नंबर है, इट इज़ कंफर्टेबल टू वियर कॉटन ड्रेसेस इन समर, समर सीजन में कॉटन ड्रेसेस को पहनना कंफर्टेबल होता है। तो अब देखिएगा इसमें जो आया है कि इट इज़ कंफर्टेबल, अब आप देखोगे कि ये वियर जो होता है इसका मतलब होता है पहनना, यानी यहाँ तक हमारा वर्ब आई हुई है। उसके बाद कॉटन ड्रेसेस इन समर, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 सेंटेंसेस किए हुए हैं। एक्सरसाइज इसमें नाम नहीं पढ़ा था, तो एक्सरसाइज यू नो एक्सरसाइज के नाम से ही इसको समझ लीजिए। चैप्टर 12 है ये फ्रेजेस का, और इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।